Hi friends, today we talk about the company Pulse Electronics Limited stock. At present stock is trading at 164. ये micro cap और small cap group की company है. Total market cap है 179 crore का and 52 week का high है 205 and 52 week का low है 41.7. So almost 5 times रिटर्न दे चुका है स्टॉक फ्रॉम इट्स लोवेस्ट प्राइस से. एट परसेंट स्टॉक का पी है वो 23 है एंड आरओसी 52.4, आरओई 38.3, दैट इज़ प्रेटी गुड. इसके बाद इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री इस ग्रुप में सिर्फ यही कंपनी शो करता है ये, तो इसलिए ये सेम है इंडस्ट्री पी. और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन दी सारे के सारे ऑडियो प्रोडक्ट ऑडियो सिस्टम होते हैं, जैसे माइक्रोफोन हो, हेडफोन हो, स्पीकर हो, टावर स्पीकर हो, सारा का सारा बिजनेस इनका उन्हीं से रिलेटेड है. सो एकदम क्लियर कट फोकस्ड बिजनेस है इनका, दैट इज़ गुड थिंग. फिर इसमें हम बात करते हैं डिविडेंड, ये कंपनी कुछ देती नहीं है. डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कंपनी पे कोई डेट है नहीं. मार्केट कैप टू सेल्स 3.8 है, जो कि शो करता है कंपनी अभी ओवर वैल्यूड नहीं हुआ है. स्टॉक स्टिल इन द राइट प्राइस जोन एंड ईवी बाई एबिट भी 16 का है, अप टू 25 आई एम क्वाइट कंफर्टेबल. पेग रेशियो है वो 0.7 का है. पेग रेशियो मीन्स पीई रेशियो जो अपन बोलते हैं, वो जो जिस रेट पे ग्रो कर रहा है और कंपनी की खुद की ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, उनका रेशियो है. अगर ये 1 होता है दैट मीन्स कंपनी की जो प्राइस जो रन कर रही है वो ग्रोथ के इक्वली रन कर रही है, मतलब जितना ग्रो कर रहा है जो कंपनी ग्रो कर रही है उतना ही पी बढ़ रहा है. बट अगर पी पेग रेशियो कम है इसका मतलब पी कम भाग रहा है और जी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, दैट मीन्स कंपनी स्टिल अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड हुई नहीं है. सो दैट इज़ गुड साइन. प्रमोटर होल्डिंग है वो 73.3% है, दैट इज़ प्रेटी गुड. कोई स्टॉक प्लेस्ड नहीं है, DIFII की कोई होल्डिंग नहीं है. अगर 3 ईयर का एवरेज भी देखें तो 13.3 है, तो कंपनी में अभी ग्रोथ शुरू हुआ है, इसलिए कंपनी अभी थोड़ा हाई पी पे ट्रेड कर रहा है. एंड रिजर्व की बात करें तो 14 करोड़ का है डेट, सिर्फ 9 लाख का कंपनी पे डेट है. कैश इक्विवेलेंट 8 करोड़ के हैं, तो दैट इज़ गुड. इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल्स की. अगर कंपनी के लास्ट 1 ईयर के ग्राफ की बात करें तो यहाँ देख सकते हो ये कंपनी का स्टॉक 50-डे मूविंग एवरेज, जो ये येलो लाइन है इसी से आके सपोर्ट लेके जाता है. यहाँ फिर है, यहाँ देखिए ये 50 डेज के पास आने से पहले ही घूमा है, बट हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए स्टॉक यहाँ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि एग्जैक्टली इसका 50-डे जो मूविंग एवरेज आता है वो अराउंड 150-156 के राउंड है. तो यहाँ हो सकता है स्टॉक थोड़ा टाइम ले इस मूविंग एवरेज पे के आने का वेट करे. 200 मूविंग एवरेज को तो ये टच भी नहीं कर रहा, उससे ऊपर ही चल रहा है. और अगर पी की बात करें देखो तो पी भी इस कंपनी का लास्ट 1 ईयर का देखते हैं चार्ट, तो एट प्रेजेंट देखिए यहाँ पे एवरेज 14-15-12, इससे बढ़ के अभी थोड़ा हाई पी हुआ है, पर कंपनी ग्रो कर रही है क्योंकि अभी भी स्टिल पेग रेशियो 1 से बहुत ज़्यादा नहीं हुआ. तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी भी एमए का स्टॉक अभी भी ग्रो करने का पोटेंशियल रखता है. अब आ जाते हैं, कंपनी बिल्कुल स्टॉक फ्री है, ये अच्छी बात है. कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखें लास्ट 5 ईयर का, तो उसका कंपाउंडिंग जो ग्रोथ रेट आ रहा है वो 33%. अगर ग्रोथ रेट 33% है तो फिर पी आप मान सकते हो कि कंपनी का पी अगर अराउंड 40 तक मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती उसको, अगर इतनी ग्रोथ आती है तो. डेटर डेज हैं तो 55 से 37 डेज हो गए. डेटर डेज कम होने का मतलब ये है कि कंपनी को जो पहले प्रोडक्ट सेल कर रही थी, जो पैसा अपने कस्टमर से 55 डेज में आ रहा था, अभी 37 डेज में मिलने लगा, तो वो एक अच्छा इंप्रूवमेंट है. जल्दी पैसा आता तो जल्दी उसको बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं ग्रो करने के लिए. कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज साइकिल जो है वो 94 डेज से 120 डेज हुआ है, तो ये भी वही बात बता रहा है कि कंपनी की इन्वेंट्री की बात करो, जो उनके पास उनका माल पड़ा है अपने जो कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं वहाँ से पैसा आने का टाइम, इन्वेंट्री सर्कुलेट होने का टाइम, और जो इनके जो डेज पेबल होते हैं उसका मतलब है कि जो इनको खुद को जो प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल जो बाई करना होता है उसका जो टाइम है वो सारा रिड्यूस हुआ है इनका कंप्लीट साइकिल. तो वो है कि कंपनी अभी अपने प्रोडक्ट को फास्ट सर्कुलेट कर पा रही है, तो पैसा जल्दी जनरेट कर पाएगी, दैट इज़ गुड साइन. इसके बाद बुक वैल्यू से 7.1 में, वो हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा ही चलते हैं मोस्ट ऑफ कंपनी. मैंने पहले बता दिया अगर कंपनी ग्रोइंग फेज में यूजुअली
ये डिविडेंड नहीं देती, ठीक है, अगर वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, ऐसा नहीं हो कि पैसा कंपनी डिविडेंड भी नहीं दे रही और उसे इन्वेस्ट भी नहीं कर रही, तो वहाँ फ्रॉड होने की संभावना हो सकती है, तो ये अपन आगे चेक कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा इस ग्रुप में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जो सेगमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन स्पीकर्स, म्यूजिक सिस्टम एंड ऑडियो सिस्टम, माइक्रोफोन, इनमें पर्टिकुलरली फोकस्ड यही कंपनी काम कर रही है, इसलिए इसका पीयर कंपेरिजन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट। तो ये यहाँ पे क्या है, हाफ ईयरली रिजल्ट आते हैं कंपनी के, हर 6 महीने में रिजल्ट देती है। अब अपन देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स 7 करोड़ थी, फिर 12 करोड़, फिर 22, फिर 22, फिर 24। तो इस सितंबर 2023 और सितंबर 2022 से देखें तो थोड़ा ग्रोथ तो है इसकी सेल्स में। क्या प्रॉफिट में देखते हैं, प्रॉफिट का ग्रोथ, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है वो है 3 करोड़ से 4 करोड़ हुआ है, तो ये अराउंड 33% का जंप यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ में। ईपीएस भी उसी के हिसाब से ग्रो किया। कंपनी के मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं स्लोली स्लोली कंपनी के मार्जिन्स बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट जो 6 मंथली रिजल्ट थे उनमें भी अराउंड 21.5% का मार्जिन है, मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूव हो रहे हैं। अब आ जाते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट्स पे। तो अभी पहले कंपनी देखिए यहाँ ग्रो कर रही थी, फिर ये कोविड के टाइम आया, यहाँ से सडन फॉल हुआ और वहाँ से वापस देखते हैं अभी, क्योंकि दैट इज़ यहाँ से आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कोविड एक सदी में आने वाली एक यूनिक चीज़ थी, उसके में डेफिनेटली किसी बहुत सी कंपनियों के सेल्स फॉल हुए हैं। तो यहाँ देखते हैं 2021 में 8 करोड़ का था, 22 में इसका डबल होके 19 हुआ, फिर देखिए फिर डबल से भी ज़्यादा 44, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो 646 करोड़ का है। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी यहाँ पे नेगेटिव लॉस में था कंपनी, फिर 31 लाख का हुआ, फिर 6.7 करोड़, फिर 7.8 करोड़। तो यहाँ ग्रो कर रहा है, ईपीएस भी उसी हिसाब से ग्रो कर रहा है, और कंपनी के मार्जिन्स देखें तो मार्जिन्स भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हो आप। तो अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें, लास्ट 3 ईयर की 13% थी, उससे बढ़ के अभी 35% हुई है, बट आप प्रॉफिट में ग्रोथ देखोगे तो वो सिग्निफिकेंटली अच्छा है, क्योंकि यहाँ 47% था 3 ईयर का, 5 ईयर का 33, और लास्ट 12 मंथ्स का देखो तो 92%, दैट्स प्रेटी गुड। स्टॉक प्राइस तो काफ़ी रन किया है, बट कंपनी अंडरवैल्यूड थी, इसलिए इतना स्टॉक चलने के बावजूद भी अभी भी कंपनी महंगी नहीं है, क्योंकि पहले बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टॉक था ये। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो अभी ये देखो पहले 15 से 18% के बीच में रहा है, बट अभी लास्ट ईयर का ये 38% हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी कंपनी जो अपनी कैपिटल डिप्लॉय कर रही है उस पर रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं इनके। फिर आ जाते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पे। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो कंटिन्यूसली कंपनी के रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी पे बोरोइंग एट नाम मात्र कुछ है ही नहीं, सिर्फ 9 लाख का डेट है, वो कुछ भी नहीं है, 170 करोड़ की मार्केट कैप के अगेंस्ट। और उसके बाद देखते हैं कंपनी के कैश फ्लो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कैश फ्लो कैसा है। तो यहाँ देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आ रहा है, ये पॉजिटिव है, और इसमें अपन देख सकते हैं कि देखिए ऑपरेशंस जो अपना जो कंपनी माल प्रोडक्ट सेल करती है उसे कंटिन्यूसली ये अभी कोविड के बाद से देखिए यहाँ से बढ़ा है ये। उसके बाद में रिसीवेबल नेगेटिव होने का मतलब ये है कि जिन कस्टमर को ये अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है उससे एडवांस में इनको पैसा मिल जाता है, दैट्स वाई इट्स नेगेटिव। इन्वेंट्री नेगेटिव है और ये पेबल होते हैं, ये पॉजिटिव होना ये अच्छा साइन है, और ये इसका मतलब ये है कि ये अपना प्रोडक्ट है वो जो अपने जो कस्टमर को सेल करते हैं उनसे पैसा पहले पैसा लेके उनको माल बाद में भेजते हैं, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये जिनसे इनको माल बाई करना होता है उनसे पहले माल लेती हैं और फिर पैसा बाद में दे रही हैं। तो ये दोनों ही तरीके से ये चीज़ मेरे को पॉजिटिव लगती है यहाँ पे। इसके बाद आ जाते हैं इनके जो वर्किंग कैपिटल डे चेंजेस, ये नेगेटिव में होना अच्छा है, कहने का मतलब है कंपनी को उधार पे माल मिलता है और एडवांस में पैसा इनको जब बाय करने के टाइम पे उधार पे मिल जाता है और सेल करने के टाइम पे एडवांस में पैसा मिल रहा है, तो वर्किंग कैपिटल डेज ये नेगेटिव में होना अच्छा है। इसके बाद टैक्स तो देखो ठीक है, हर कंपनी को देना ही पड़ता है। इसके बाद आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बात की जाए तो देखो कंपनी बोरोइंग कुछ 11 लाख का इन्होंने बोरोइंग किया है, लोन लिया है, इतना 5 करोड़ रुपए इन्होंने इस स्टॉक से उठाया है,
और इसके बाद में रीपेमेंट, तो पहले कुछ लोन था ही नहीं। डिविडेंड, डिविडेंड भी कंपनी बहुत कम क्यों नहीं देती, ना के बराबर है, 1 लाख कुछ भी नहीं है। तो नेट कैश फ्लो है वो नेगेटिव में है, वो मुझे ठीक लगता है। अगर कंपनी जितना पैसा आता है उसको अगर इन्वेस्ट कर रही है, यहाँ देखिए इन्वेस्ट कर रही है, देन इट्स गुड। उसके बाद डेटर डेज कम होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू डेज पेबल, और ओवरऑल वो जितने कम होते हैं वो अच्छा है। तो देखिए यहाँ से 2021 में 75 थे डेटर डेज, फिर 52, फिर 37, तो ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही डेज पेबल भी डिक्रीज हो रहे हैं, वो भी अच्छा साइन है। बट इन दोनों में कौन सा ज़्यादा और कम होना चाहिए? डेटर डेज हमेशा कम होने चाहिए कंपेयर टू द डेज पेबल। इससे क्या होगा कि वो जो अपन ने पहले डिस्कस किया, कंपनी को प्रोडक्ट जिनको सेल करती है उनसे पैसा जल्दी लेके आती है, और जिनसे ये खुद सामान खरीद के मार्केट अपना प्रोडक्ट बनाती है उनको पैसा देने में ज़्यादा टाइम लेती है। कहने का मतलब है इनके पास हमेशा पॉजिटिव कैश फ्लो बना रहता है, यहाँ पे कैश कंपनी के पास ज़्यादा रहता है। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात की जाए तो ये भी देखिए कम होता जा रहा है, वो एक अच्छी बात है। ये इन्हीं को एवरेज करके इनको एडजस्ट किया जाता है। पहले देखिए यहाँ पे कितने टाइम लगता था, अभी जल्दी हो रहा है, इनका मनी जल्दी सर्कुलेट हो रहा है। फिर वर्किंग कैपिटल डेज वो भी कम होगा इनके साथ में। और आरओसी की बात की जाए तो आरओसी यहाँ से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 52% हो गया लास्ट 3 ईयर्स का, देखें -3 देन 12 देन 52, मतलब जितना कैपिटल डिप्लॉय करती है उस पर अच्छा खासा रिटर्न लेके आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, मैंने ये क्वार्टरली नहीं ईयरली बात करते हैं, ईयरली देखें तो देखिए यहाँ पे 2018 में भी इनके 73.37% थे, अभी भी कंपनी थोड़ा सा अपन ने इन्होंने जस्ट कम किया है, देखिए 73.37 और 73.26, अदरवाइज कंटिन्यूसली 73% से ऊपर अपना इनका स्टॉक की जो होल्डिंग है, इनकी खुद की प्रमोटर होल्डिंग है वो अच्छी खासी है। रेस्ट ऑफ पब्लिक में है, पब्लिक में भी कुछ रिनोन नेम हैं जैसे ये सुजय राजा बाबू सेठ, इनके पास एक नॉन स्टॉप इनके देखिए होल्डिंग बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा बाकी अलग अलग नाम है यहाँ पे। अभी कंपनी करती क्या है, वैसे तो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में डिस्कस कर लिया था पहले ही, 2005 में ये कंपनी बनी है, तो अराउंड 20 साल का एक्सपीरियंस है। और मेनली ये जो क्या करती है, ट्रेडिंग करती है प्लस मैन्युफैक्चर करती है, क्या करती है, हाई क्वालिटी ऑडियो सिस्टम। इसमें फिर ये सारे आ जाते हैं, सारे टाइप के ऑडियो, चाहे इनमें आप देखो स्पीकर्स की बात हो, चाहे होम थिएटर में जो स्पीकर यूज़ किए जाते हैं, लाइन सोर्स की बात हो, इसके अलावा माइक्रोफोन हो गया, ट्रांसमीटर रिसीवर ये हो गया, टाई क्लिप जो मतलब कॉरपोरेट ऑफिस या आजकल लोग जो अपने वीडियो बनाते हैं उनमें टाई क्लिप लगाते हैं, जहाँ भी आप देखते हो। इसके अलावा माइक्रोफोन है और हेडफोन है, सब उसी टाइप है, सारा का सारा सब वूफर, सारा का सारा इनका क्या है कि ऑडियो सिस्टम म्यूजिक सिस्टम पे मेनली फोकस्ड है, सारा इनका वहीं से आता है। फिर इसमें आप देख सकते हो जो जियोग्राफिकल स्प्लिट में 9% रेवेन्यू साउथ ईस्ट एशिया से आता है, 42% इनका जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है उसकी सेल से आता है, 51% उस प्रोडक्ट की ही ट्रेडिंग भी करती है, कुछ सारे ये प्रोडक्ट कुछ नहीं बनाती, कुछ का ट्रेड करती है, तो 51% वहाँ से आता है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है कि ये कंपनी करती क्या है। फिर आ जाते हैं कंपनी के टेक्निकल्स पे, टेक्निकल्स के लिए यहाँ पे जाके देखते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आई वुड सजेस्ट वीकली एंड मंथली चार्ट फॉलो करो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो फिर आपको जाना चाहिए डेली चार्ट पे। और इसमें आपको देखना होता है कि इसका सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, तो सपोर्ट की बात की जाए, वीकली सपोर्ट ये 161 क्लासिक है और फिबोनाची 165 है, तो अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। और उसके सेकंड सपोर्ट 154 है, तो अराउंड अगर आपको ये स्टॉक 150 की प्राइस के आसपास मिलता है, वहाँ पे 152-165 इस लेवल पे बाई किया जा सकता है। और दूसरा इसका मंथली सपोर्ट देख लेते हैं, देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल है एंड ये स्टॉक एट प्रेजेंट बुल मोड में है, तो ये अपने प्रॉपर सपोर्ट तक जाए उससे पहले ही हो सकता है घूम जाए। अगर मंथली सपोर्ट की 139 क्लासिक है और फिबोनाची 136 है, तो वही अगर ये 140 150 160 की प्राइस में आपको मिलता है, यहाँ पे स्टॉक को स्टेगर्ड मैनर में बाई किया जा सकता है। फिर अगर अपन कैंडल स्टिक चार्ट की बात करें जिसमें मैं मूविंग एवरेज देखता हूँ यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो डेली चार्ट है, डेली चार्ट है, और इसमें ये रेड लाइन है ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, और ये जो लाइन है ये 200 डेज का मूविंग है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास तो ये स्टॉक आता ही नहीं है, उससे पहले ही घूम रहा है। और ये मोस्ट ऑफ टाइम आप देख सकते हो सर्किट टू सर्किट चलता है ये स्टॉक। अभी जैसे यहाँ से ये सपोर्ट लेता है फिर चला जाता है, यहाँ इसके पास है फिर सपोर्ट, अभी इस स्टॉक
यहाँ आने के बाद इनने से जस्ट पहले घूम गए, हो सकता है एक दो दिन एक बार यहाँ फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करे, बट फिर स्टॉक यहाँ से मुझे नहीं लगता कि ये 140 के लेवल से नीचे आएगा, उसके ऊपर से स्टॉक वापस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी भी ओवर वैल्यूड हुआ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इसको ब्रीज करके ये 200 डेज को डेमा को टेस्ट करने आएगा। वैसे बाई एंड होल्ड और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना ड्यू डिलीजेंस कर सकते हो, बट मुझे कंपनी फंडामेंटली अच्छी लग रही है और टेक्निकल से भी अभी अपने सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो बाइंग किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। थैंक यू।